मेरे हमारे पास चाय पीने आओ, तो मैंने बोला आप तो स्पीकर महोदय हैं, हम कैबिनेट करके आते हैं, कहते आप हमारे पास चाय पीने आधा घंटा आ जाते तो मैंने जाना है। तो हम सब लोग मंत्री परिषद के सभी सदस्य इनके पास कड़सी चाय पीने के लिए आए और हमने इनके साथ चाय पी। और जब राजनीतिक लोग बैठे होते तो राजनीतिक चर्चा तो होती है। सर एक बात ये कही जा रही, क्योंकि आपने कहा था कि 6 में से 3 बागी विधायक आप वापस आना चाहते हैं कांग्रेस के खेमे में, तो उसको लेके भी कोई विचार हो रहा है? मैंने तो एक विधायक ने मुझसे बात की थी और कभी मैंने कभी नहीं कहा, मैं तो एक विधायक की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी पीड़ा बताई थी कि मुझे बड़ा पछतावा है, बस उसके ज्यादा मैंने कुछ उनकी बात में से ज्यादा हुई नहीं है। सर आपने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया काला नागुन, आप देखिए बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ राजनीतिक जीवन में जो पार्टी को धोखा देते हैं और जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होते हैं वो काले नाग और काले सांप कहलाते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये कहावत है, लेकिन पछतावा करके कोई अगर अपनी गलती को मानता है तो उसमें भी माफी देने में भी कोई हर्ज थोड़ी होता किसी को। तो ये हम तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि पहले तो वो लोग उन कैद से तो छूटे जिस कैद में वो पिछले कितने 74 घंटे से बैठे हुए, पूरी CRPF लगी हुई पंचकुला में तो हम जा ही नहीं रहे उनको ले जाने, और उनको लाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रहे हैं। जिस दिन बोटिंग थी उस दिन CRPF पुलिस सब हरियाणा पुलिस थी, वो तो स्पीकर साहब ने मेरे ख्याल उस पर कार्रवाई की है। और मेरा ये भी मानना है कि इस प्रकार का माहौल इस प्रदेश के में नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो देवी देवताओं की संस्कृति है, सबका सम्मान किया जाता है। ये पहली बार ऐसे इतिहास में हुआ जिसमें 6 वोटे क्रॉस हुए। जयराम ठाकुर जी किस आधार पे कहते हैं कि सरकार संकट में है, उनके पास क्या आधार है? बार-बार क्लेम कर रहे हैं कि माइनॉरिटी है। जयराम ठाकुर जी जो कह रहे हैं, पहले तो उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी चाहिए ना, अब मेजोरिटी है नहीं। और ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं तो ऑपरेशन लोटस कैसे हो सकता है? कोई प्यार से तो हो नहीं सकता, कोई प्रलोभन होगा ना तभी ऑपरेशन लोटस होगा। पर ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छे नहीं है। जयराम ठाकुर जी को समझना चाहिए कि जनता ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है, 5 साल बाद आप हमारा वहाँ जाइए, लोगों की अदालत में जाइए, हमारे खिलाफ बोलिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रलोभन देकर आप MLO को अपने पाले में कर रहे हैं। मैं तो उन सभी MLO से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप प्रलोभन में ज्यादा ना आइए, जनता सब जानती है और हिमाचल की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देती है। सर प्रतिभा सिंह के दिन नरेंद्र मोदी की तारीफ की, प्रतिभा सिंह जी ने ये भी कहा कि भाजपा से अगर कंपेयर करना है तो अभी से कांग्रेस को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, हम भाजपा के कंपैरिजन में बहुत कमजोर है, अभी इश्यूज बहुत पीछे है हमारे। इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते है। देखिए शिमला जिला के सबसे वरिष्ठ नेता हमारे नंदलाल जी है, 4 बार के विधायक है, रामपुर से जीत कर आया था और सबसे वरिष्ठ है। और उनका कैबिनेट रैंक अभी नहीं दिया गया, उनका कैबिनेट रैंक काफी महीने से था और तो उनको जो कैबिनेट रैंक फाइनेंस कमीशन हमारा बना ना 16 फाइनेंस कमीशन बना उस आधार पर दिया। साहब आप काफी कॉन्फिडेंट है, लगता है आपने सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिए हैं। देखिए विक्रमादित्य जी ने मुझे सवेरे 7 बजे भी मेरी बात हुई है, दोपहर 12 बजे भी बात हुई है और बातचीत करते रहते हैं। अब नाराजगी तो देखिए नाराजगी दो परिवारों में होती रहती है, हम तो एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार में भी तो कई बार बातचीत होती है, नाराजगी कुछ नहीं है। उन्होंने सवेरे मुझसे बात की है और आज भी उन्होंने मुझसे दोपहर पर बात की है, सब ठीक है, कोई चिंता ना करिए, कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद।